दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद गदगद हुए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए भारतीय टीम को धमकी दे डाली है और अपने धमकी भरे बयान में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद भारत के खिलाफ कौन से बड़े बोल कह दिए हैं, जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मुकाबला श्रीलंका के साथ था और इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 158 रनों का लक्ष्य रखा। जहां श्रीलंका की तरफ से निशंका ने सर्वाधिक 40 रन बनाए तो वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मुकाबले को 16.3 ओवर में 7 विकेट से जीत लिया। जी हां, जहां पर मार्कस स्टोनिस ने सर्वाधिक 59 रन की पारी खेली और इनके अलावा मैक्सवेल ने 23 रन की पारी खेली और इसके अलावा इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। जहां मार्कस स्टोनिस ने वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे तेज 50 लगा दी और इस मुकाबले में जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि हमने एक मुकाबले को हारा तो सभी टीम हमको बेकार समझने लगी, लेकिन जिस अंदाज में हमने श्रीलंका को हराया है वो वास्तव में काफी ज्यादा शानदार है और हमें ज्यादा खुशी है कि हमने श्रीलंका की टीम को हरा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि हमने श्रीलंका को हरा दिया है और वो एशिया कप की चैंपियन है और अब अगला नंबर भारतीय टीम का है। जब भारत की टीम का महामुकाबला हमारे साथ होगा तो अभ्यास मुकाबले का बदला भी इस जीत के साथ ही लेना चाहेंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और भारत को उनकी नानी दादी याद दिला देंगे। इसके अलावा ब्रेडली ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला तो सभी ने देखा, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका को बड़े ही आसानी से हरा दिया। ऐसे में सभी टीमों को काफी ज्यादा दुख दर्द होने वाला है और ऐसे में सबसे बड़ा दर्द हम भारत को देंगे। वहीं उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को अब हम बुरी तरीके से हराने के लिए तैयार हैं। जहां अभ्यास मुकाबले में हमने कुछ गलतियां की थी, अब पूरी तरीके से वो गलतियां हमने सुधार ली हैं और अब हमारी पूरी टीम भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है और भारतीय टीम को हम इस कदर हराएंगे कि जिसके बाद तो भारतीय टीम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। तो वहीं रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की विजेता मानी जा रही है, लेकिन इसके अलावा भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी वर्ल्ड कप का चैंपियन माना जा रहा है और ये बिल्कुल सही साबित होगा क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी दावेदार है। तो वहीं उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल मुकाबला होगा तो सभी की आंखें चकाचौंध रह जाएंगी क्योंकि इस बार भारतीय टीम को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से तैयार है और ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को हरा कर उसकी असली औकात दिखा देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में से कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।